नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीईबी व्यापम दफ्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर गिरफ्तार किया। आपको बता दें, भर्ती प्रक्रिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर पीईबी दफ्तर के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता, पुलिस ने हिरासत में लिया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर एनएसयूआई मेडिकल विंग के पूर्व प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने शिवराज्य सरकार ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दी। रवि परमार ने कहा कि छात्र छात्राओं और बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने का नाकाम कोशिश कर रही शिवराज सरकार की पुलिस नाकारा निकम्मी बीजेपी को मैं चेतावनी देता हूं कि छात्र छात्राओं की आवाज दबने वाली नहीं, पूरे प्रदेश में एनएसयूआई आवाज उठाएगी और यह आवाज विधानसभा तक गूंजेगी। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा और छात्र छात्रा की आवाज उठा रहे मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी को शिवराज सरकार की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जो कि निंदनीय है। हम शिवराज सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये नाकामा और नकारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बात ध्यान रखे, छात्रों की आवाज दबने वाली नहीं है। आपकी जो दमनकारी सरकार है, आपकी जो दमनकारी पुलिस है, उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। आखिर जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो बंद करें, और ये आवाज जो छात्र छात्राओं की आज यहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज किया, यहाँ आवाज छात्र छात्राओं की रुकने वाली नहीं है, यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में गुजरेगी और यहाँ विधानसभा तक गुजरेगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।